प्रेम लदिया की सदा उल्टी बहेदा। यदि ये ब्रज में मैं सबके जो लीला करूंगा ना, मैं विश्व ब्रह्मांड का मालिक होते हुए भी सखाओं का झूठन गाने वाला हूँ। भगवान होते हुए भी मैया मेरे को उखल में बांधेगी, सांसन करेगी, मैं गोपियों के चरण में प्रेम की दीक्षा में भी मैं मांगूंगा। लेकिन ये ब्रज में ये सब लीला करने वाला हूँ, ये ब्रज में ये सब लीला करने वाला हूँ, लेकिन पृथ्वी का एक गुण क्षमा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, कृष्ण को सखा लोग बोलेंगे, झूठा करेंगे, पीठ पर घोड़ा बनाएंगे, शासन करेंगे, इसलिए पृथ्वी क्षमा गुण। इसलिए पहले उन्होंने क्या किया, मिट्टी को उन्होंने खा करके अपना अंदर में क्षमा गुण को देखा, फिर भक्तों को जो लीला को कुछ अगर करे तो है पृथ्वी तो उनको क्षमा कर देना। उसका तीसरा कारण बताए, उन्होंने पहले पुतना को मारे, पुतना को जब मारे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहर उन्होंने बीस को उन्होंने पान किया, बीस पान किया तो मुंह क्या हो गया, अपवित्र हो गया मुंह। इसलिए भगवान ने देखा मुंह तो बीस खाकर अपवित्र हो गया, अभी मिट्टी को खाकर क्या करनी चाहिए, इसको हम धुला देते, इसको हम धो देते, एक मिनट, इसलिए हम इसको धो देते। इसलिए उन्होंने उन्होंने मिट्टी खाकर क्या किया, जो बीस खाया था उन्होंने बीस को उन्होंने धो दिया। पृथ्वी का एक नाम रसा, कितना रसा तर, ये पृथ्वी का एक नाम है रसा, है रसा। अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैं बड़े होने पर सबसे जो सर्वोत्तम लीला है, संति यद्यपि मैं लीला प्राच्या मनोहरा नाही जानी स्मृति रास मन में कितने सब। अभी मैं अपना सर्वश्रेष्ठ लीला से रासलीला करने वाला हूँ। रासलीला मतलब जहाँ पर संपूर्ण रस को मैं आस्वादन करूंगा, इसलिए पृथ्वी का नाम भी एक रसा है। इसलिए मतलब बाद में तो पूर्ण रस को मैं आस्वादन करूंगा ही, अभी तो थोड़ा रस आस्वादन कर ही लेता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ का मिट्टी को उन्होंने अपना मुंह में, अपना मिट्टी को डाल दिया अपना मुंह में। इसलिए इसमें जैसे श्री अर्जुन, अर्जुन उन्होंने विश्वरूप देखा है, लेकिन कब विश्वरूप देखा, उन्हें जब भगवान उनको दिव्य चक्षु दिया तभी उन्होंने ये विश्वरूप को उन्होंने दर्शन किया। लेकिन विश्वरूप देखते ही अर्जुन कांप उठे, बोले प्रभु मैंने जो पहले गलती कर दिया, आपको बोला प्रभु मेरे रथ को ले चलो, ले करके बीच दोनों सैनिक को बीच में रखो, आदेश दिया कभी अगर घोड़ा थक गए तो आपने दाना खिलाया, मालिश करवाया, प्रभु मेरे को अपराध को क्षमा कर दो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। उन्होंने विश्वरूप देखा, अर्जुन तो कांप उठे। लेकिन यहाँ पर जब मैया ने विश्वरूप देखा ना, कृष्ण के प्रति भगवत बुद्धि आई, आई नहीं बल्कि उनके अंदर में आया, हो ना हो मेरे लाला के ऊपर कोई भूत का तवर्त नहीं हो गया। इसलिए मैया ने गैया का पूछ से झाड़ लगवाया, राई नून का मंत्र करके कृष्ण के ऊपर उनने छिड़काव कराया, उन्होंने उनका अंदर में डर नहीं आया है। और बच्चों का एक स्वभाव क्या होता है, मिट्टी खाना इनकी एक स्वभाव, इनके मिट्टी खाना होता है। इसलिए हमारे टीकाकारों ने इसको पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बताए, कृष्ण मिट्टी खाए तो कृष्ण क्यों मिट्टी खाए। इसलिए हम लोग ब्रह्मांड घाट में आए, ब्रज रज की बड़ी महिमा है, इसलिए यहाँ पर आकर क्या करनी चाहिए, यहाँ पर लोट पोट खानी चाहिए। इसलिए पास में एक रमन रहती है, जब हम थोड़ा कम आते थे ना, सब महाराज लोग आते थे, वहां पर सब लोग धूल लेकर के एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे, वहां पर लोट वोट खाते थे। लेकिन अभी हम बहुत भक्त लोग आ गए, इसलिए अभी अभी हम वहां पर जाते ही नहीं, इसलिए बहुत भक्त लोग आ गए। लेकिन वहां पर जाकर बड़े आनंद लेते थे। इसलिए हम सबके सब यहाँ का धूल का स्पर्श करो, अपना शरीर पर लगाओ, क्योंकि जो ब्रज धूल साधारण धूल नहीं, ये ब्रजवासियों का चरण धूल है, ये हमारी सभी इच्छाओं को ये ब्रजरज हमारी पूरी कर सकते हैं। हरे कृष्ण, आप लोग अब तक हिंदी भाषा में श्रवण किया, अब सिद्धांत मई रामचंद्र हुए दोनों इंग्लिश में और हिंदी बांग्ला में बोलेंगे। महाराज जी बताया ना, ये